बिस्मिल्रिम्स मोहतरम नाजरीन आज का हमारा मौजू है माहिर रजब में नमाज़ नफल अदा करने की अहमियत जिसने रजब की पहली शब नमाज मगरब अदा की फिर इसके बाद बीस रकत दो दो करके इस तरह अदा की कि हर रकत में सुरतल्फ़ातिया और सूत्र अखलास पढ़ी तो जानते हो इसका सवाब कितना है सहाबा ने अर्ज किया के अल्लाह और इसका रसूल ही जानते हैं तो आप सल्हम ने फ़रमाया अल्ला जानो माल और अहलो अहलोहियाल की हिफाजत फरमाएगा और इसे अजाब कबर से बचाएगा और वो पुल सरा से बिजली की तरह गुजर जाएगा सुबह जिसने रजब के किसी एक दिन का रोजा रखा और इसमें चार नमाज इस तरह अदा की के पहली रकत में सौ बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में एक सौ बार सुरतल पढ़ी तो वो मरने से पहले ही जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा अल्लाह जिसने रजब की पंद्रहवीं शब चौदह रकड़ नमा नमाज इस तरह अदा की कि हर रकत में एक दफ़ा सूरत और बीस दफा सूरत अखलास जबकि सूरत, जब सूरत फलक और सुरतलनाश तीन तीन दफा पढ़ी फिर नमाज से फारग होकर दस दफ़ा मुझ परफा सुबह वकबर वढ़ा तो अल्लाह तला इसकी तरफ एक हजार फरिश्तों को भेजता है जो इसकी नेकिया लिखते हैं और जन्नतफरदूस में इसके लिए दरख्त लगाते हैं इस रात तक होने वाले इसके गुनाह दूर करते हैं फिर आइंदा साल रजब तक इसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाता जो इसने इस नमाज में पढ़ा इसके हर हरफ के बदले सात सौ अल्लाह हर और सजदे के बदले जन्नत में सबक रंग के कीमती पत्थरों से दस महल तैयार किए जाते हैं हर रकत के औस जन्नत में दस शहर दिए जाते हैं हर शहर सुरख या कुत से बना हुआ है और इसके पास एक फरिश्ता आएगा जो अपना हाथ इसके कंधों के दरमियान रख कर कहेगा अपने अमल से खुश हो जा बिला शोबा तेरे पहले गुनाह माफ कर दिए गए हैं सुबह अल्लाह जिसने रजब की सताईसवीं शब बारह रकत नमाज इस तरह अदा की के हर रकत में फातिया और कोई दूसरी सूरत पढ़ी फिर नमाज से फारग होकर बैठे बैठे सात मरतबा सुरतल्फातिया पढ़ी फिर चार मरतबा ये दुआ पढ़ी सुबह अल्लाह वहाबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल आलीयल अज़ीम फिर सुबह को रोजा रखा तो अल्लाह ताला इसके साठ साल के गुनाह माफ कर देता है और यही वो रात है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया